नमस्कार, गुड लक बैड लक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुबोध चंद्रयाल। अगर आप भी कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप यकीन मानिए सट्टा किंग आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सट्टा किंग के जरिए आप चाहे तो कम समय में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ कम वक्त में ज़्यादा पैसा ही नहीं बल्कि आप अगर किस्मत ने आपका साथ दिया तो कभी कभी आप पलक झपकते मालामाल भी हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सट्टा किंग में ऐसा क्या होता है कि हम कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, आखिर इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, ज़रा कुछ खुलकर बताएंगे। तो चलिए हम आपको आगे इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल सट्टा किंग के जरिए आपको किसी विशेष स्थान पर कोई विशेष नंबर आने की संभावना व्यक्त करते हुए कोई पर्ची लिखवानी होती है। अगर आपकी संभावनाएँ वास्तविक में तब्दील होती है तो आपको आपके द्वारा निवेश किए गए रकम पर कुछ रकम बढ़ाकर दे दी जाएगी। और कई बार ऐसी भी स्थिति पैदा हो जाती है कि आप मालामाल हो जाएं। वहीं कई बार ऐसे मौका भी होता है कि आपके द्वारा व्यक्त की गई संभावनाएं वास्तविक में चेंज नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा लगाया गया पैसा समझ लीजिए कि डूब गया। तो इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि इस खेल में जोखिम के साथ संभावनाएँ भी हैं। आइए अब आगे आज को एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने गली में 8 नंबर आने की संभावना व्यक्त करते हुए पर्ची लिखवाते हैं। पर्ची लिखवाने के समय हमारा मतलब यह है कि आप ये विश्वास जताते हैं कि गली में 8 नंबर आएगा। अगर मान लीजिए कि गली में 8 नंबर आया तो आपको आपके द्वारा निवेश किए गए रकम पर कुछ रकम बढ़ाकर दे दी जाएगी और आप मालामाल हो जाएंगे। लेकिन अगर गली में 8 की जगह कोई और अंक आया तो आपके द्वारा निवेश किया गया पैसा आपको पूरी तरह से डूब जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे इस खेल को अंजाम दिया जाता है। आइए आगे हम आपको इस खेल से जुड़ी कुछ बुनियादी बातों के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस खेल की शुरुआत ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद इसे भारत सरकार द्वारा अवैध करार दे दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी ये बड़े पैमाने पर खेला जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिटिश काल के दौरान मटके में बहुत सारी पर्ची डालकर इस खेल को खेला जाता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे इस खेल के खेलने के तरीके में भी परिवर्तन आता गया और आज की तारीख में इसका पूरा स्वरूप बदल चुका है। आज सट्टा किंग को वेबसाइट के जरिए खेला जाता है। अब इतनी सारी बातों से वाकिफ होने के बाद आइए आगे हम आपको आज के विनिंग नंबर के बारे में बताते हैं। लेकिन आइए उससे पहले जरा ये जान लेते हैं कि आखिर विनिंग नंबर क्या है। संभावित नंबर जब वास्तविक में चेंज हो जाते हैं तो उसे विनिंग नंबर कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने गली में 8 नंबर आने की संभावना व्यक्त करते हैं और अगले दिन गली में 8 नंबर आ जाता है तो उस स्थिति को विनिंग नंबर कहा जाता है। तो आइए आगे हम आपको आज के विनिंग नंबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। बता दें कि सट्टा खेल एक पूरी तरह से संभावना और जोखिम वाला खेल है, इसलिए न्यूज रूम पोस्ट ऐसे किसी भी खेल को प्रमोट नहीं करता है और ना ही खेलने के लिए बढ़ावा देता है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा, तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।